हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट में कालक्रम की दृष्टि से पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? आलोचना ग्रंथों के नाम हैं वाद विवाद, संवाद, साहित्य और इतिहास दृष्टि, कामायनी एक पुनर्विचार, प्रेमचंद और उनका युग। इसका सही उत्तर है सी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आलोचना ग्रंथों का सही कालक्रम है प्रेमचंद और उनका युग। 1952 ईस्वी रामविलास शर्मा द्वारा रचित कामायनी एक पुनर्विचार 1973 ईस्वी गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981 ईस्वी मैनेजर पांडे द्वारा रचित वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी नामवर सिंह द्वारा रचित। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? आत्मकथाओं के नाम हैं और औरत, एक कहानी यह भी, हाथ से, कस्तूरी कुंडल बसे। इसका सही उत्तर है सी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है कस्तूरी कुंडल बसे 2002 ईस्वी मैत्रेय पुष्पा द्वारा रचित, हाथ से 2005 ईस्वी रमनिका ठाकुर गुप्ता द्वारा रचित, एक कहानी यह भी 2008 ईस्वी मन्नू भंडारी द्वारा रचित। और अंत में और औरत। अगला प्रश्न, राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? रचनाओं के नाम हैं कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कृति पताका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कृति पताका, लिखनावली, सैव सर्वस्य सार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी है। कीर्तिलता तथा कृति पताका अवहट भाषा में है, जबकि भू परिक्रमा तथा पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा में मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? कवियों के नाम हैं भिखारी दास, चिंतामणि, देव, महाराज जसवंत सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। रचनाकार के काल के अनुसार निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम है चिंतामणि 1609 ईस्वी, महाराज जसवंत सिंह 1628 ईस्वी, देव 1673 ईस्वी, भिखारी दास 1750 ईस्वी। अगला प्रश्न, रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? रचनाओं के नाम हैं शांत पथिक, उजर ग्राम, एकांतवासी योगी, सांध्य अटन। इसका सही उत्तर है बी। श्रीधर पाठक के रचनाओं का रचना काल के अनुसार अनुक्रम है मनोविनोद, हिमालय, एकांतवासी योगी, जगत सच्चाई सार, उजर ग्राम, गुणवंत हेमंत, श्रांत पथिक, ऋतु संहार, कश्मीर सुषमा, वनाष्टक, देहरादून, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांध्य अटन, भारत गीत आदि। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावणी या ख्याल शैली में की है तथा श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में की है। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? रचनाओं के नाम हैं गीतिका, अनिमा, अर्चना, आराधना। इसका सही उत्तर है ए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम है अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी, गीतिका 1936 ईस्वी,
तुलसीदास 1938 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी, अनिमा 1943 ईस्वी, बेला 1946 ईस्वी, नए पत्ते 1946 ईस्वी, अर्चना 1950 ईस्वी, आराधना 1953 ईस्वी, गीत गुंज 1954 ईस्वी, सांध्य काकली 1969 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? नाटकों के नाम हैं अंधा कुआं, एक तारे की जांघ, बकरी, कोर्ट मार्शल। इसका सही उत्तर है डी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम है अंधा कुआं, लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित 1955 ईस्वी, बकरी 1974 ईस्वी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित एक तारे की आंख 1980 ईस्वी, मणि मधुकर द्वारा रचित कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी, स्वदेश दीपक द्वारा रचित। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? रचनाओं के नाम हैं परीक्षा गुरु, भाग्यवती, वामा शिक्षक, रानी केतकी की कहानी। सही उत्तर है सी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है रानी केतकी की कहानी 1798 ईस्वी इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित, वामा शिक्षक 1872 ईस्वी, ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय द्वारा रचित, भाग्यवती 1877 ईस्वी, श्रद्धा राम फिल्लौरी द्वारा रचित, परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी श्रीनिवास द्वारा रचित। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? आलोचना के नाम है वाद विवाद संवाद, अधूरे साक्षात्कार, कामायनी एक पुनर्विचार, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। सही उत्तर है बी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 ईस्वी शिवदान सिंह चौहान द्वारा रचित, कामायनी एक पुनर्विचार 1961 ईस्वी मुक्तिबोध द्वारा रचित, अधूरे साक्षात्कार 1966 ईस्वी नेमी चंद्र जैन द्वारा रचित, वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी नामवर सिंह द्वारा रचित। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्वापर अनुक्रम क्या है? चिंतकों के नाम हैं अरस्तु, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, टीएस इलियट। इसका सही उत्तर है ए। ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्वापर अनुक्रम है अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व, सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772 से 1834 ईस्वी, मैथ्यू आर्नल्ड 1822 से 1888 ईस्वी और टीएस इलियट 1888 से 1965 ईस्वी। अगला प्रश्न, भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम क्या है? वृत्तियों के नाम हैं भारती, आरभटी, कौशिकी, सात्वती। इसका सही उत्तर है सी। भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम है भारती, सात्वती, कौशिकी, आरभटी। अगला प्रश्न, जन्म काल के अनुसार हिंदी आलोचकों का सही क्रम क्या है? आलोचकों के नाम है नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर है बी। जन्म काल के अनुसार आलोचकों का सही क्रम है रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941 ईस्वी, नंद दुलारे वाजपेयी 1906 से 1968 ईस्वी, रामविलास शर्मा 1912 से 2000 ईस्वी, डॉक्टर नगेंद्र
1915 से 2000 ईस्वी। अगला प्रश्न, भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम चार शिष्यों का सही अनुक्रम क्या है? शिष्यों के नाम हैं सुखानंद, नरहयानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद। सही उत्तर है बी। नाभादास कृत भक्तमाल 1985 ईस्वी में दिए गए रामानंद के शिष्यों का सही अनुक्रम अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन तथा धन्ना है। अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम क्या है? संप्रदायों के नाम हैं ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। इसका सही उत्तर है सी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संप्रदायों का सही अनुक्रम है सी। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं जो विशिष्टाद्वैतवाद के हैं। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं जो द्वैतवाद के हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं जो शुद्धाद्वैतवाद के हैं। सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बाकाचार्य हैं जो द्वैताद्वैतवाद के हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं जो शुद्धाद्वैतवाद के हैं। अगला प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित काव्यकृतियों का सही अनुक्रम क्या है? काव्यकृतियों के नाम हैं अंगदर्पण, विरह वारिस, व्यंगार्थ कौमुदी, मधुर प्रिया। सही उत्तर है ए। अंगदर्पण 1737 ईस्वी रसलीन द्वारा रचित, विरह वारिस बोधा द्वारा रचित, व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825 ईस्वी प्रताप शाही द्वारा रचित, मधुर प्रिया पजनेस द्वारा रचित। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? रचनाओं के नाम है रश्मि रथी, कनुप्रिया, द्रौपदी, संशय की एक रात। सही उत्तर है सी। रश्मि रथी 1952 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित, कनुप्रिया 1959 ईस्वी धर्मवीर भारती द्वारा रचित, संशय की एक रात 1962 ईस्वी नरेश मेहता द्वारा रचित, द्रौपदी 1972 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित। अगला प्रश्न, रचनाकाल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? रचनाओं के नाम हैं प्रेम तरंग, सत्सई सिंगार, मधु मुकुल, भक्त सर्वस्व। सही उत्तर है सी। रचनाकाल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद के रचनाओं का सही अनुक्रम है भक्ति सर्वस्व, प्रेम तरंग, सत्सई सिंगार, मधु मुकुल। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित प्रबंध काव्यों का सही अनुक्रम क्या है? काव्यों के नाम हैं उर्वशी, विष्णुप्रिया, आत्मजयी, लोकायतन। सही उत्तर है सी। विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित, उर्वशी 1961 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित, लोकायतन 1964 ईस्वी सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित, आत्मजयी 1965 ईस्वी कुंवर नारायण द्वारा रचित। अगला प्रश्न, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह और धूमिल। सही उत्तर है ए। राजकमल चौधरी 1919 ईस्वी, श्रीकांत वर्मा 1931 ईस्वी, केदारनाथ सिंह 1934 ईस्वी, धूमिल 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न, जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम क्या है? निबंधकारों के नाम हैं बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, गुलाब राय। सही उत्तर है ए। बाल मुकुंद गुप्त 1865 ईस्वी
श्याम सुंदर दास 1875 ईस्वी, सरदार पूर्ण सिंह 1881 ईस्वी, गुलाब राय 1888 ईस्वी। अगला प्रश्न, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासकारों का सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासकारों के नाम हैं यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, रांगेय राघव। सही उत्तर है ए, यशपाल 1903 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी, अज्ञेय 1911 ईस्वी, रांगेय राघव 1923 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? कहानी संग्रहों के नाम हैं शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उठता आदमी, शोभा यात्रा। सही उत्तर है ए, शरणार्थी 1948 ईस्वी, अज्ञेय द्वारा रचित, ठुमरी 1959 ईस्वी, रेणु द्वारा रचित, सतह से उठता आदमी 1971 ईस्वी, मुक्तिबोध द्वारा रचित, शोभा यात्रा 1981 ईस्वी, भीष्म साहनी द्वारा रचित। अगला प्रश्न, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों के सही अनुक्रम क्या हैं? नाटककारों के नाम हैं शंकर शेष, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, हरिकृष्ण प्रेमी। सही उत्तर है डी, हरिकृष्ण प्रेमी 1907 ईस्वी, भीष्म साहनी 1915 ईस्वी, मोहन राकेश 1925 ईस्वी, शंकर शेष 1833 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है? मराल, विकलांग श्रद्धा का द्वार, अद्यतन, अंगद का पांव। सही उत्तर है सी, अंगद का पांव 1998 ईस्वी, श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित, अद्यतन 1977 ईस्वी, अज्ञेय द्वारा रचित, विकलांग श्रद्धा का द्वार 1980 ईस्वी, हरिकृष्ण परसाई द्वारा रचित, मराल 1993 ईस्वी, कुबेरनाथ राय द्वारा रचित। अगला प्रश्न, नाटक के कथानक में कुछ दृश्य सूची होते हैं, पांच प्रकार के इन सूची कथानकों का सही अनुक्रम क्या है? कथानकों के नाम हैं प्रवेशक, अकांश, विष्कम्भक, चुलिका, अंकावतार। सही उत्तर है सी, नाटक के कथानक में पांच प्रकार के दृश्य सूची होते हैं, वे हैं विष्कम्भक, प्रवेशक, चुलिका, अकांश्य, अंकावतार। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? ग्रंथों के नाम हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, लालित्य मीमांसा, हिंदी साहित्य की भूमिका। सही उत्तर है डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है सूर साहित्य 1930 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, कबीर 1941 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, सहज साधना 1963 ईस्वी, कालिदास की लालित्य योजना 1965 ईस्वी, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी। अगला प्रश्न, सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? नाटकों के नाम हैं आठवां सर्ग, द्रौपदी, रति का कंगन, एक दुनी एक। सही उत्तर है सी, सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का प्रकाशन वर्ष अनुसार अनुक्रम है द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दुनी एक, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैदे हयात, रति का कंगन 2010 ईस्वी।
अगला प्रश्न, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? कवियों के नाम हैं पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, स्वयंभू, हेमचंद्र। सही उत्तर है सी, स्वयंभू 8वीं शताब्दी, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी, अब्दुल रहमान 12वीं से 13वीं शताब्दी, हेमचंद्र 11वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? कवियों के नाम हैं बिहारी, देव, भिखारीदास, पद्माकर। सही उत्तर है ए, बिहारी 1595 ईस्वी, देव 1673 ईस्वी, भिखारीदास 18वीं शताब्दी, पद्माकर 1753 ईस्वी। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कृतियों के नाम हैं यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, साकेत। सही उत्तर है बी, मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है पंचवटी 1925 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, द्वापर 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? संग्रहों के नाम हैं जमीन पक रही है, अभी बिल्कुल अभी, बाघ, उत्तर कवि और अन्य कविताएं। सही उत्तर है सी, केदारनाथ सिंह के काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम है अभी बिल्कुल अभी 1960 ईस्वी, जमीन पक रही है 1980 ईस्वी, उत्तर कवि तथा अन्य कविताएं 1995 ईस्वी, बाघ एक लंबी कविता है। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? नाटकों के नाम हैं कोणार्क, नारद की वीणा, अंधा कुआं, बकरी। इसका सही उत्तर है बी, नारद की वीणा 1946 ईस्वी लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित, कोणार्क 1951 ईस्वी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित, अंधा कुआं 1955 ईस्वी लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित, बकरी 1974 ईस्वी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासों के नाम हैं परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड। सही उत्तर है ए, फणीश्वर नाथ रेणु एकांचलिक उपन्यासकार हैं, उनके उपन्यासों का सही अनुक्रम है मैला आंचल 1954 ईस्वी, परती परिकथा 1957, दीर्घतपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन राय 1971, जो कि अपूर्ण है। अगला प्रश्न, रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासों के नाम हैं किस्सा गुलाम, पूर्वापर, विनायक, गोबर गणेश। सही उत्तर है डी, रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम है गोबर गणेश 1978 ईस्वी, किस्सा गुलाम 1986, पूर्वापर 1990, विनायक 2011। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियंवदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासों के नाम हैं 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, अंतरवर्षी, शेष यात्रा। सही उत्तर है सी, उषा प्रियंवदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है 55 खंबे लाल दीवारें 1961, रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984, अंतरवर्षी 2000। अगला प्रश्न, लेखन काल के अनुसार
निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है? आलोचकों के नाम हैं वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, टीएस एलियट, आई ए रिचर्ड्स। सही उत्तर है ए, विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 ईस्वी, बेनोदेटो क्रोचे 1866 ईस्वी, टॉम्स स्टर्न्स एलियट 1888 ईस्वी, इवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स 1893 ईस्वी। अगला प्रश्न, रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? रचनाओं के नाम हैं मृगावती, चंदायन, मधुमालती, चित्रावली। सही उत्तर है बी, चंदायन 1379 ईस्वी, मुल्ला दाऊद द्वारा रचित मृगावती 1503 ईस्वी, कुतुबन द्वारा रचित मधुमालती 1545 ईस्वी, मंझन द्वारा रचित चित्रावली 1613 ईस्वी, उस्मान द्वारा रचित। अगला प्रश्न, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? सही उत्तर है सी, केशव दास 1555 ईस्वी, सेनापति 1584 ईस्वी, चिंतामणि 1609 ईस्वी, भूषण 1613 ईस्वी। अगला प्रश्न, जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? कवियों के नाम हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगमोहन सिंह। सही उत्तर है सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 ईस्वी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855 ईस्वी, प्रताप नारायण मिश्र 1856 ईस्वी, जगमोहन सिंह 1857 ईस्वी। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कृतियों के नाम हैं कानन कुसुम, आंसू, झरना, लहर। सही उत्तर है डी, जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का अनुक्रम है कानन कुसुम 1913 ईस्वी, झरना 1918 ईस्वी, आंसू 1925 ईस्वी, लहर 1933 ईस्वी। अगला प्रश्न, जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? सही उत्तर है सी, नागार्जुन 1911 ईस्वी, भवानी प्रसाद मिश्र 1913 ईस्वी, त्रिलोचन 1917 ईस्वी, नरेश मेहता 1921 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? नाटकों के नाम हैं कबीरा खड़ा बाजार में, हानुस, आलमगीर, माधवी। सही उत्तर है बी, भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है हानुस 1977 ईस्वी, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, आलमगीर 1999 ईस्वी। अगला प्रश्न, कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कारपूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है, इन पांच अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम क्या है? बिंदु, पताका, प्रकरी, बीज, कार्य। सही उत्तर है डी, कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति के पांच अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम है बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्य। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासों के नाम है उसके उस हिस्से की धूप, चितकोबड़ा, मैं और मैं, कट गुलाब। सही उत्तर है ए, मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम है उसके हिस्से की धूप 1975, चितकोबड़ा 1979, मैं और मैं 1984, कट गुलाब 1996 ईस्वी। अगला प्रश्न,
प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? कहानी संग्रहों के नाम हैं प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल। सही उत्तर है बी। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासों के नाम है सूनी घाटी का सूरज, मकान, सीमाएं टूटती है, विश्रामपुर का संत। सही उत्तर है बी। श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है सूनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी, सीमाएं टूटती हैं 1973, मकान 1976, विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? आत्मकथाओं के नाम हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, टुकड़े दास्ता, जो मैंने किया। सही उत्तर है ए। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित, बसेरे से दूर 1978 ईस्वी हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित, टुकड़े टुकड़े दास्ता 1986 ईस्वी अमृतलाल नागर द्वारा रचित, जो मैंने जिया 1992 ईस्वी कमलेश्वर द्वारा रचित। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? निबंधों के नाम हैं कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व, अशोक के फूल। इसका सही उत्तर है डी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है अशोक के फूल 1948 ईस्वी, कल्पलता 1951, कुटज 1964, आलोक पर्व 1972। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? ग्रंथों के नाम हैं आधुनिक हिंदी साहित्य, रस सिद्धांत, दक्षिणी हिंदी का साहित्य, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। सही उत्तर है ए। आधुनिक हिंदी साहित्य 1940 ईस्वी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा रचित, रस सिद्धांत 1964 ईस्वी डॉक्टर नगेन द्वारा रचित, दक्षिणी हिंदी का साहित्य 1970 ईस्वी श्री राम शर्मा द्वारा रचित, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन 1973 ईस्वी शिव कुमार मिश्र द्वारा रचित, रस सिद्धांत 1977 ईस्वी नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा रचित। रस सिद्धांत 1977 नामक आलोचनात्मक ग्रंथ की रचना नंद दुलारे वाजपेयी ने भी की है। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, काव्य में उदात्त तत्व, साहित्य का समाज शास्त्र, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। इसका सही उत्तर है बी। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, काव्य में उदात्त तत्व, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, साहित्य का समाज शास्त्र। अगला प्रश्न, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? दोहा कोश, श्रावकाचार्य, संदेश रासक, कीर्तिलता। सही उत्तर है ए। दोहा कोश सरहप्पा द्वारा रचित, श्रावकाचार्य जैन आचार्य देवसेन द्वारा रचित, संदेश रासक अब्दुल रहमान द्वारा रचित, कीर्तिलता विद्यापति द्वारा रचित। अगला प्रश्न, रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? कवियों के नाम हैं कुतुबन, उस्मान, नूर मोहम्मद, कासिम शाह। सही उत्तर है सी। रचनाकाल के अनुसार कवियों के जीवन काल का सही अनुक्रम है कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह तथा नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न,
रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित काव्यकृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद। इसका सही उत्तर है ए। ललित ललाम 1664 ईस्वी मतीराम द्वारा रचित, भाव विलास 1689 ईस्वी देव द्वारा रचित, श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी भिखारी दास द्वारा रचित, जगत विनोद पद्माकर भट्ट द्वारा रचित। अगला प्रश्न, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम क्या है? कथाकारों के नाम हैं जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है डी। जन्मकाल के अनुसार कथाकारों का सही अनुक्रम है भगवती चरण वर्मा 1903 ईस्वी, जैनेन्द्र 1905 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी, अमृतलाल नागर 1916 ईस्वी।